आयरन फिस्ट सीजन 1 एपिसोड 8। अब तक की स्टोरी में हमने देखा था वर्ड ने अपने ही डैड हैरल्ड मीचम को मार डाला है और डैनी को पता चल गया है कि द हैंड असल में कौन कौन सी फैक्ट्री से ड्रग्स की सप्लाई करती है। यहाँ आप लोगों को एक बात बता दूं कि इस एपिसोड की जितनी भी फाइटिंग सीन्स होंगी वो सारा कुछ मैं फेसबुक पेज पर अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, अब आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम क्लेयर को देखते हैं। वो अपने मदर के घर पर होती है और वहाँ पे बैठ के एक लेटर पढ़ रही होती है। वो बहुत खुश दिखती है। इसके बाद वो नहाने चली जाती है, तभी पीछे से डैनी उसे कॉल करता है, लेकिन कोई और क्लेयर का फोन ले लेता है और उसके हाथ में एक चाकू भी होता है। डैनी क्लेयर के लिए मैसेज छोड़ता है कि हैंड के लोग उस पर हमला कर सकते हैं, इसलिए जल्द से जल्द क्लेयर को अपने मदर का घर छोड़ना होगा। इस तरफ क्लेयर के बाथरूम से निकलते ही कॉलिन उसे पीछे से पकड़ लेती है। असल में कॉलिन ने ही पहले उसके फोन को भी छुपा दिया था। कॉलिन क्लेयर को इशारा करके समझाती है कि दरवाजे के बाहर कोई तो है, इसलिए वो दोनों दरवाजे को लॉक करके वहां से निकल जाते हैं। मीनवाइल इस तरफ डैनी हैरल्ड के चेंबर में आता है और वहां पे बहुत सारा ब्लड देख के चौंक जाता है। उसे लगता है कि हैंड के लोगों ने हैरल्ड को मार दिया है। तभी वहाँ पे वार्ड आता है। डैनी वार्ड को रोकता है, उसे पहले शांत होने को कहता है, फिर वो ब्लड का निशान दिखाता है। वार्ड यहाँ पे एक्टिंग करना शुरू कर देता है। वो ऐसा दिखाता है कि उसे हैरल्ड के डेथ के बारे में कुछ पता ही नहीं। वर्ड पूछता है ये सब कैसे हुआ। डैनी बहुत इमोशनल हो जाता है। वो कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने मैडम गांव के लैब पर हमला करवाया था। मैंने सोचा था कि उन पर काबू कर लूंगा। वर्ड कहता है तुम क्या पागल हो, तुम्हें क्या लगता है कुछ टेस्ट ट्यूब्स तोड़कर तुम उन पर कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हारी वजह से अपने डैड के मरने का दुख मुझे दोबारा झेलना पड़ रहा है। डैनी कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वर्ड तब गुस्से में डैनी से कहता है कि तुम मुझसे और मेरे बहन से दूर रहना। डैनी भी बहुत गिल्टी फील करता है और वहां से चला जाता है। डैनी के जाने के बाद वर्ड अपने बैग से साफ सफाई करने वाले कुछ चीज निकालता है और सारा ब्लड साफ करने लगता है। इस तरफ डैनी कॉलिन और क्लेयर के साथ बैठा होता है। डैनी कहता है मेरे मुताबिक गांव अभी चाइना के आंजो सिटी में होगा। वहाँ पे हमारे कुछ फैक्ट्री से शायद वहाँ पर वो लोग ड्रग्स प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी वहीं पर जा रहे थे और उसी दिन उनकी प्लेन का क्रैश हो गया और मौत हो गई। अभी मैं वहाँ पे जाऊंगा और गांव के पास से पता लगाऊंगा कि उसके साथ मेरे फादर का क्या रिलेशन था। क्लेयर कहते है तुम बेवकूफी कर रहे हो, और तुम इतने श्योर कैसे हो कि गांव ने जो भी कहा है वो एकदम सच है। वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी तो कह सकती है कि वो तुम्हारे फादर को जानती है, शायद ये कोई ट्रैप है। डैनी कहता है जो भी हो थोड़ा सा तो चांस है कि मैं अपने फादर के बारे में जान सकता हूँ, और इसलिए मैं वहाँ पे जाऊँगा। तब कॉलिन कहती है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी, पिछली बार तुम अकेले गए थे और तुम्हारी हालत बहुत खराब हो गई थी। तब क्लेयर भी उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। डैनी मना करता है, लेकिन क्लेयर कहती है उन्होंने मेरे दोस्तों को मारा है, मेरे हॉस्पिटल को डिस्ट्रॉय कर दिया है, मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। वो दोनों डैनी से पूछते हैं कि प्लान क्या है। डैनी कहता है उनके लोगों को हराना होगा, फिर गांव को पकड़ के उससे सारी बातें उगलवा लेंगे। इस तरफ हम देखते हैं वर्ड और जॉय बोर्ड के एक आदमी के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं, उनका नाम है लॉरेंस। यहाँ आप लोगों को याद दिला दूं कि बोर्ड के सारे लोगों ने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि डैनी वर्ड और जॉय को कंपनी से निकाल दिया जाएगा, इसलिए लॉरेंस उनके साथ ये मीटिंग कर रहा है। लॉरेंस कहता है तुम लोग इन पेपर्स पर साइन कर दो, तुम दोनों को $100 मिलियन का कॉम्पनसेशन मिलेगा। जॉय साइन करने से मना कर देती है। इस तरह वर्ड अपने हाथों पर ब्लड का निशान देखता है, वो निशान धीरे धीरे बढ़ता जाता है, वो बहुत घबराया हुआ होता है। तभी जॉय उसे देखती है और उसे धक्का देती है, और वर्ड फिर से मीटिंग की तरफ ध्यान देता है, लेकिन तब तक उसके हाथों में ब्लड का निशान भी गायब हो जाता है। वर्ड साइन करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन जॉय कहती है लॉरेंस हमें अकेले में बात करनी है। जॉय वर्ड पर गुस्सा करती है। वर्ड कहता है यही तो चांस है यहाँ से निकलने का, डैड ने हमें इस काम में फंसा दिया है, हमें कभी भी अपने मन की नहीं करने दिया। जॉय कहती है मैं मानती हूँ कि मैं एक लॉयर बनना चाहती थी, लेकिन डैड ने मुझे कॉर्पोरेट में फंसा दिया,
लेकिन आज मैं जहाँ पर भी हूँ, जिस पोजीशन पे हूँ, उसे मैंने अर्न किया है, मैंने कमाया है, इसलिए मैं तो फाइट करने वाली हूँ। हमें सिर्फ एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी चाहिए, तो मेरा साथ दो। वर्ड कहता है ठीक है, मैं रेडी हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं डैनी, कॉलिन और क्लेयर चाइना जाने के लिए प्लेन में चढ़ गए हैं। क्लेयर डैनी से पूछती है कि अगर डैनी के हाथ मैडम गाओ आ गई तो वो क्या करेगा। डैनी कहता है डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं उसे नहीं मारूंगा, सिर्फ पूछताछ करूंगा। इतने साल ट्रेनिंग करके मैंने अपने गुस्से पर कंट्रोल पा लिया है, और अगर मैं उसे मार भी डालता हूँ तो कोई बात नहीं, मेरा मिशन तो हैंड को खत्म करना है। तब क्लियर कहती है किसी को मार डालना ठीक नहीं है, इससे ज्यादा बुरा काम दुनिया में और कोई भी नहीं हो सकता। तब कॉलिन पीछे से कहती है मैडम गाओ ने जिनको मारा है, उनको मारने से पहले उन्होंने तो ये सारी चीजों के बारे में नहीं सोचा। बेसिकली कॉलिन डैनी का साथ देती है। तभी प्लेन एक टर्बुलेंस में फंस जाता है। डैनी को अपने प्लेन क्रैश के बारे में याद आने लगता है, वो बहुत घबराया हुआ होता है। तब कॉलिन और क्लेयर मिलकर डैनी का ध्यान भटकाने के लिए उससे बातें करना शुरू कर देते हैं। वो लोग पूछते हैं कि क्रैश के बाद उसे किसने बचाया, वो कैसे था, ये सब। डैनी को तब भी उस दिन का याद आता है। यहाँ हम देखते हैं जो पायलट प्लेन को उड़ा रहे थे, प्लेन क्रैश के बाद उनकी पूरी बॉडी नीला हो गया है। देख के लगता है कि किसी ने उनको जहर दे दिया है। खैर, इसके बारे में बाद में पता चलेगा। एनीवेज, इस तरफ वार्ड खुद लॉरेंस के पास जाता है। वो जॉय को दिया हुआ प्रॉमिस नहीं निभाता। वो लॉरेंस को कहता है कि जॉय फाइट करना चाहती है और वार्ड ये सब नहीं चाहता, इसलिए वो 100 मिलियन डॉलर्स के बदले में 30 मिलियन में भी कंपनी को छोड़ने के लिए तैयार है। लॉरेंस कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन वो डील रिजेक्ट हो गई है। वर्ड चौंक जाता है, वो कहता है रिजेक्ट हो गया, कैसे, किसने किया। लॉरेंस कहता है जॉय ने। वर्ड बहुत गुस्सा हो जाता है, वो कहता है जॉय ने एक बार पूछा भी नहीं। इसके बाद वो वहां से जाने लगता है। तब पीछे से लॉरेंस कहता है मैंने सोचा भी नहीं था तुम दो भाई बहन एक दूसरे के साथ कुछ पैसों को लेकर लड़ाई करोगे। मीनवाइल डैनी, कॉलिन और क्लेयर चाइना पहुंच जाते हैं और उस फैक्ट्री के बाहर खड़े होकर दूरबीन से अंदर की सारी चीजों को देख रेख करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ देर तक नजर रखने के बाद डैनी कहता है मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मैं अंदर जा रहा हूँ, सारे गार्ड्स को मार के उस जगह को जला दूंगा। कॉलिन कहते हैं रुको, इससे भी अच्छा एक आइडिया है। कॉलिन फैक्ट्री के बाहर बैठने वाले भिखारी को पैसों का लालच देती है और फैक्ट्री के गार्ड्स के बारे में और मैडम गाओ के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वर्ड जॉय से मिलने के लिए आया होता है। वो बहुत गुस्सा होता है कि जॉय ने उस डील को रिजेक्ट कर दिया है। जॉय कहती है तुम शांत हो जाओ, हम लीगली एक्शन लेंगे और हम अपना जॉब वापस लेके ही छोड़ेंगे। वर्ड कहता है हम लीगली भी जीत नहीं पाएंगे उन लोगों से, वो लोग हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। तब जॉय कहते हैं लड़ सकते हैं, मेरे पास एक हथियार है। तब वो अपने फोन में कुछ फोटोज दिखाती है जिनमें बोर्ड के मेंबर्स के पर्सनल लाइफ के कुछ ऐसे फोटोज होते हैं जिससे उन्हें ब्लैकमेल किया जा सकता है। वर्ड काफी इम्प्रेस दिखता है। वो कहता है ये सब तुमने कब किया। जॉय कहती है मैंने डिटेक्टिव लगाया था उनके पीछे। वर्ड कहता है तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। जॉय कहती है हमारे बीच काम के अलावा किसी और चीज को लेकर बात होती है, तुम मुझे कुछ नहीं बताते, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कुछ नहीं। पहले सब कुछ ठीक था, फिर एक दिन तुमने अचानक से हम दोनों के बीच में एक दीवार बना दिया। इतना सब बता के जॉय बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। वो वर्ड से बार बार पूछने लगती है कि वो ऐसा क्यों बन गया है। वर्ड का दिल भी पिघल जाता है। वो जॉय को सारी बात समझाने के लिए हैरल्ड के अपार्टमेंट में ले जाता है। वहां पे जाने के बाद जब वो लोग लिफ्ट से ऊपर जा रहे होते हैं तब वर्ड को चारों तरफ ब्लड ही ब्लड दिखता है। वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता, वो लिफ्ट को रोकता है और जॉय से कहता है कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, और जॉय को लेकर नीचे आ जाता है। जॉय जिद पकड़ लेती है कि उसे सब कुछ जानना है। वर्ड उस पर गुस्सा करने लगता है और उसका हाथ पकड़ के बाहर ले आता है। वो कहता है तुम्हारी वजह से मैं फंस गया हूँ, तुम जो चाहे वो कर सकती हो, मुझे इन सब में इन्वॉल्व मत करना। इसके बाद वो वहां से निकल जाता है। खैर, इस तरफ कॉलिन उस भिखारी से इन्फॉर्मेशन ले आती है। वो डैनी से कहती है कि कुछ देर बाद लंच टाइम हो जाएगा, तब ज्यादातर गार्ड्स बाहर चले जाएंगे, इसी बीच हमें काम करना होगा, मतलब फैक्ट्री को जला देना होगा। इसके बाद लंच टाइम में जब सारे लोग बाहर जाने लगते हैं तब डैनी और कॉलिन अंदर घुस जाती है। फैक्ट्री का जो लैब है उसके बाहर सिर्फ एक ही गार्ड होता है, कॉलिन उसे मार के बेहोश कर देती है। वो लोग लैब के अंदर जाते हैं और जलाने के लिए कोई फ्यूल ढूंढने लगते हैं। मीनवाइल क्लेयर दूरबीन से देखती है कि मैडम गाओ अपने कुछ लोगों के साथ फैक्ट्री के अंदर जा रही है।
क्लेयर डैनी और कॉलिन को सावधान करने के लिए जोर जोर से गाड़ी का हॉर्न बजाने लगती है। इससे गांव को भी शक होता है। वो अपने लोगों को बाहर मामला देखने भेज देती है। डैनी कॉलिन से कहता है क्लेयर को ढूंढ के प्रोटेक्ट करने के लिए अंदर का काम वो संभाल लेगा। इस तरफ क्लेयर को पकड़ने दो लोग आते हैं, लेकिन क्लेयर गाड़ी चला के वहां से भाग निकलती है। इस तरफ कॉलिन जब बाहर जा रही होती है, तभी उसके सामने एक लड़की तलवार लेके हमला करती है। वो लड़की भी काफी ताकतवर होती है। वो दोनों स्वॉर्ड फाइट करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर तक फाइट चलने के बाद हैंड की वो लड़की ऐसे वार करती है कि कॉलिन का तलवार नीचे गिर जाता है। वो हाथ से फाइट करने लगती है, तभी पीछे से क्लेयर गाड़ी लेके घुस आती है और कॉलिन को उसका स्वॉर्ड पकड़ा देती है और कॉलिन उस लड़की को हरा देती है। एनीवेज, इस तरफ मैडम गाओ फैक्ट्री के एक कमरे के अंदर घुसते हैं और उस कमरे के बाहर एक आदमी होता है जिसका नाम है जो। असल में वो हैंड का सबसे ताकतवर डिफेंडर है। डैनी पीछा करता है उस कमरे तक आ जाता है। बाहर जो बैठ के शराब पी रहा होता है। डैनी उसे नॉर्मल गार्ड समझ के कुछ पैसे ऑफर करता है, लेकिन जब जो कहता है कि वो हैंड का स्वॉर्न डिफेंडर है, डैनी चौंक जाता है। इसके बाद उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। जो नशे के हालत में इतना अच्छा लड़ता है कि डैनी को बहुत चोट लगती है। डैनी काफी जख्मी हो जाता है, लेकिन आखिर तक किसी तरह वो जो को हराने में सक्सेसफुल हो जाता है और उसे उठा के उस कमरे के दीवार पर पटक देता है और अपना आपा खो देता है और जो को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। तभी पीछे से कॉलिन और क्लेयर आती है और डैनी को रोक लेती है। यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि इस फाइटिंग सीन की क्लिप मैंने फेसबुक पेज पर अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, इसके बाद वो तीनों कमरे के अंदर जाते हैं। वहाँ पे मैडम गाओ अपने दो आदमियों के साथ होती है। गाओ कहती है डैनी तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए, मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हें ट्रेनिंग देकर। डैनी वो सब नजरअंदाज करके सीधे अपने फादर के डेथ के बारे में पूछता है, लेकिन गाओ उसका जवाब नहीं देती। वो कहती है तुम घुटने टेक दो तो फिर तुम्हारे इन दो दोस्तों को शांति से मरने का मौका दूंगी। डैनी कहता है मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। तब गाओ अपने आदमियों को कहता है कॉलिन और क्लेयर को मार देने के लिए। उन दो आदमियों के पास हथियार होता है, लेकिन कॉलिन डैनी और क्लेयर आसानी से उन दोनों को हरा देते हैं। फाइट के आखिर में कॉलिन इस तरह से डॉज कर जाती है कि गांव का एक आदमी अपने ही पार्टनर को उस हथियार से हिट कर देता है। इससे उसका वो पार्टनर वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। उसके बॉडी पर भी नीले नीले निशान आ जाते हैं। डैनी गांव से कहता है अपने हथियार पर जहर का इस्तेमाल करवाया है और अगर मेरा शक सही है तो इसी जहर से हमारे प्लेन के पायलट्स को भी मारा गया था। मतलब मेरे पेरेंट्स के डेथ के पीछे आपका ही हाथ है। इस रियलाइजेशन के बाद डैनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो अपने हाथ पर आयरन फिस्ट को समॉन कर लेता है। मैडम गांव भी उसका ये रूप देख कर डर जाती है। डैनी आयरन फिस्ट से गांव के पीछे के दीवार को हिट करता है और पूरा दीवार एकदम चकनाचूर हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं डैनी ने मैडम गांव को कुछ भी नहीं किया होता, वो एकदम सही सलामत है। इसके बाद डैनी मैडम गांव को अपने कब्जे में ले लेता है और कॉलिन और क्लेयर भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। तो यहाँ पर एपिसोड 8 की कहानी खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को आगे की पूरी कहानी जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज का ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई सजेशन है तो कमेंट्स में जरूर बताइए।